अच्छा तो दोस्तों, भारतीय किसान में हरपाल गुट भी इसमें हिस्सेदार है और इसमें हम इसलिए आए हैं कि देश के विभिन्न किसान संगठन 200 से ज़्यादा ही किसान संगठन है। हमारा भारतीय किसान में हरपाल गुट उसमें 200 में नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है। क्यों?
कि इसमें हमारे कई लोग राजनीतिक हैं। सिंह पटेल किसान परिवार से संबंधित हूँ, किसान का पुत्र हूँ। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, कर्ज से कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में डूबता रहूँगा और कर्ज ही हमारे आने वाली पीढ़ी कर्ज में भी डूबेगी, क्योंकि किसानी इस समय घाटे का सौदा हो गई है। सबसे ज़्यादा हमारी मेहनताना तक नहीं मिल पाती है, हम लोग मेहनत करते रहते हैं, मजदूर से भी बदतर हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और किसानी छोड़ के बाहर की तरफ भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों की, हमारे उत्तर प्रदेश में, बाकी और जगह तो मैं नहीं देखा, हमारे नील गाय सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और साढ़ उत्तर प्रदेश में हमारे घर में हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, हमारे हर किसान परिवार के घर में 2 गाय 2 भैंस हैं, लेकिन हर बार क्या बछिया बछवा होगा, पणिया पड़वा होगा, बाद में उसाड़ हो जाता है, हमारे घर में पला बढ़ा और बड़ा होने के बाद हमारे ही खेत को चर जाता है, हम उसको न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं। योगी गवर्नमेंट ने इस तरीके खराब कर दिया किसानों की स्थिति कि बदतर हो गई। पहले होता था कि साढ़ बड़ा हो जाता था तो 5 साल 6 साल हमारे खाया, उसके बाद बेच दिया 20,000 10,000 5,000 जो मिला, उससे हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो जाती थी। अब तो स्थिति और बदतर हो गई है। अब हम इस समय अब बाढ़ लगाते हैं चारों तरफ, अरहर नहीं हो पाती हमारे यहाँ, गेहूँ चर जाते हैं, आलू पूरा खोद देते हैं नील गाय के लिए। जैसे बिहार में माननीय नीतीश जी ने किया था आर्टिकल वन संरक्षण अधिनियम आर्टिकल 5 के तहत, उन्होंने एक आदेश पारित करा है, स्टेट गवर्नमेंट करता, वहाँ पर पहले किसानों को आदेश दिया गया किसान मारे, लेकिन किसान मार नहीं पाता था क्योंकि नील गाय बहुत तेज होती, भाग जाती थी। तो उन्होंने स्पेशल शूटर कर्नाटक से बुलवाया, स्पेशल शूटर, फिर उनको दिया, एक एक नील गाय को मारने पे 200 रुपये देते थे वो, और सारी नील गाय को समाप्त कर दिया गया। कुछ मर गई और कुछ उस मध्य बिहार से भाग के उत्तर प्रदेश में चली आई। अब उत्तर प्रदेश के किसानों का नाश कर रही हैं, खड़ी फसल चबा जाती हैं, किसान क्या करे, 6 महीना 3 महीना मेहनत करता है, उसके बाद जब फसल काटने का मौका आता है तो नील गाय और सब खा जाती हैं। और लोग आज ही चौगने तक उन्हें पहुंच गए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बाद में दुगने होंगे आज, और लोग सभी अभी चौगने हो गए। हाँ वही तो, किसान तो और नीचे चला जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है भाई साहब, हमारा जो बीज का, हमारा हम पैदा करते हैं आलू, हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, हम आलू खेत में 4 रुपये किलो बेच देते हैं और उपभोक्ता के पास वो आलू 25 रुपये में बिकती है। बीज को जो बिचौलिया खा जाता है, किसान मारा जाता है, बिचौलिया खा जाता है, किसान अन्न का दाता है फिर भी पीसा जाता है किसान, और घाटे का सौदा हो गई है। किसानी छोड़ कर लोग मजदूरी करने चले आए हैं, मजदूरी तो कम से कम 300-400 रुपये मिल जाता है तो आदमी पेट भर लेता है। यहाँ तो किसान का बच्चा रात में भी 2 बजे रात अगर बिजली आ गई तो आलू के खेत में पानी लगाना है तो ठंड नहीं देखता, वो चला जाता है खेत में पानी लगाता है, उसका मेहनताना तक नहीं मिल पाता। इसी शब्दों के साथ मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, किसान यूनियन को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं झांसी बुंदेलखंड से आया हूँ और आज हम लोग किसानों की जो 2 मांगे हैं, जो सरदार बीएम सिंह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय नेशनल कन्वीनर हैं सरदार बीएम सिंह, उनके नेतृत्व में आज पूरे देश का किसान आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहा है। तो मैं ज्ञात कर दूं कि जो किसानों की 2 मांगे हैं, एक जो किसानों का कर्जा है उसको माफ़ किया जाए, दूसरा जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो फसल का 1.5 गुना दाम है उसको दिया जाए। हम लोग बिल्कुल साफ और बिल्कुल सीधे मुद्दे हमारे 2 हैं और सरकार को इन 2 मुद्दों पर अपनी विचार बिल्कुल रखना चाहिए, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। किसानों की मेहनत को सरकार ने कभी आंका ही नहीं है, उसकी फसल को आने पौने दामों में खरीदा जाता है, इसी वजह से किसान जो घाटे में जाता है हमेशा, उसके ऊपर कर्जा होता है, क्योंकि फसल में ऐसा नहीं है कि पैदा नहीं होता है, फसल में पैदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जब आलू अगर अच्छा पैदा हो जाए तो उसको सस्ता बिकता है वो। अभी पिछली साल सरदार बीएम सर और हमारी जो पूरे टीम थी किसान मुक्ति यात्रा की, पिछली साल गए थे आगरा में, उसके यहाँ आलू अच्छा हुआ था, लेकिन जब आलू इतना सस्ता हो गया कि उसकी बोरी के दाम नहीं निकले,
उसने आत्महत्या कर ली। बीएम सर उसको ढांढस बनाने उसको आगरा पहुंचे, उसके घर गए, उसको देखा, उसके परिवार में सब रो रहे थे और बिलख रहे थे। ऐसी स्थिति इस जगह नहीं है, ये पूरे देश में है, जिसमें पिछले 20 सालों में लाखों किसानों, 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। सोचने वाली बात है। अभी पिछले दिनों कृषि वैज्ञानिक थे कोई, उन्होंने बताया कि किसानों के साथ उनके यानी कोई बदले की राजनीति की जा रही हो, जैसे उद्योगपतियों के हर जो उनकी उद्योगपति का जो सुई है या कुछ भी डबल रोटी है उसका दाम बढ़ा दिया जाता है। उनके दाम को अगर जोड़ा जाए तो 1100 रुपये गुना कर दिया। लेकिन जो पिछली जो गेहूं का दाम है पिछले 20 सालों से या 30-40 सालों से मात्र 70 गुना बढ़ाया है। और जो उद्योगपतियों का जो रेट है, जैसे हम मानते हैं खाद बीज है, इसको इतना बढ़ा दिया गया है कि किसान लेने भी कतराता है। मतलब यहाँ तक ये है कि किसानों के साथ उनकी नीतियाँ सरकार की हैं जो बहुत गलत हैं, इसके कारण किसान हमेशा परेशान होता है और आत्महत्या कर रहा है। आज आप अभी भी देख लिया, प्रतिदिन 10-12 किसानों की आत्महत्या की खबर आती है। नहीं, दूसरे जब सम्मति में जाता है किसान तो उससे बीमा लिया जाता है। बिल्कुल, अब बीमे लेने पर फसल नष्ट। अब हाँ, अब बीमे की बात आती है तो बीमा सर कोई बीमा नहीं मिलता है। जो किसानों का जो खाता होता है उनसे बीमा प्रीमियम काट लिया जाता है। मेरा नाम श्री राधेश्याम शुक्ला है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से आया हूँ और मैं किसान हूँ। तो यह है, बैंक में जब किसान पैसा लेना जाता है तो उससे 10% कमीशन लिया जाता है, उससे 100 रुपये में 90 रुपये मिलता है और उससे लिया जाता है 110 रुपये। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सी सरकार है, कौन सा अफसर है जिससे पता नहीं चलता कि बैंकों में रिश्वत ली जा रही है? इस पर कोई गौर करता है? ये बताओ। अच्छा, उसके बाद MP का कट्टा 1150 रुपये का था, उसका रेट इस साल 1350 बिका है। उसका रेट 1350 बिका है, क्यों बिका? धान का रेट 1750 निकाला, उसे 1350 रुपये का 1300 रुपये का रेट मिला, क्यों मिला? यह किसे पता नहीं है? मंडियों में कांटे लगे, किसान का नहीं तुला, व्यापारियों का तुला, ऐसा क्यों हुआ? मैं अंजनी कुमार दीक्षित, जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं प्रमुख दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। आज किसानों की स्थिति जो दयनीय हुई है, इसकी आज़ादी से अब तक इतनी सी सरकारें देश में आईं लेकिन किसानों के लिए कोई भी कानून नहीं बनाए। जो वर्तमान सरकार सत्ता में है उसने किसान से वादा किया था कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे, लागत का 1.5 गुना दाम देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से मुखर गए, कर्जा किसानों का माफ़ नहीं हुआ, जो और लागत के 1.5 गुना जो स्वामीनाथन सिफारिश है वो नहीं दिया गया, जो वर्तमान वादा पूरा न करने पर जो शासन सरकार को जो बिल पेश करने चाहिए थे वो माननीय BM सिंह ने बिल लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश कराए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है उन पर बहस न कराना, उनको पालन न करना जो अपने मंच से कहते हैं। अगर आप वो कह रहे हो तो करके दिखाइए, कानून को बनाइए कि आप जो कानून की रेट घोषित करते हैं वो किसानों को मिलती नहीं है। आज जितनी बीमा कंपनियां हैं वो सरकार की लाइसेंसी डकैत बन गई हैं। हम गन्ना उत्पादक किसान हैं, पिछले वर्ष का मिला नहीं, पिछले वर्ष का लागत मूल्य 284 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन 325 रुपये घोषित किया गया, वो पिछले साल का आज भी बकाया है, पैसा आज तक नहीं मिला। दिल्ली में। अगर लागत के 1.5 गुना दाम होता है सही उत्पाद तो 284 प्लस 142 का रेट होगा। तो वर्तमान से लेकर पूर्ववर्ती सरकारें हमेशा उपहास बनाती रहीं। यहाँ तक दुख इस बात से हुआ कि माननीय BM सिंह के द्वारा कराए गए न्यायपालिका के आदेशों की भी अवहेलना हुई, उनका अनुपालन सरकार नहीं कराई। अगर 307 का बहुत छोटा सा मुकदमा किसानों पर दर्ज हो जाए उसकी गिरफ्तारी की जाती है, और चीनी मिल मालिक कितने ढीठ, उन पर कानून का बराबर उल्लंघन कर रहे, कोई कार्यवाही नहीं। बस जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। महंतपाल गंगवार, जिला बरेली, तहसील नवाबगंज से हरपाल जी गुट का नेतृत्व में मैं आया हूँ यहाँ पर रामलीला मैदान दिल्ली में। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जब तक किसान जवान रहता है तब तक ये खूब पेट भरता है देश का, और जब बूढ़ा हो जाता है तो इसको मात्र 500 रुपये की टाफी जैसी देकर
इसकी पेंशन नहीं दी जाती है, और जबकि नेताओं की पेंशन 50,000 होती है, हमारे पेंशन हमारे किसानों की पेंशन 5,000 रुपये होनी चाहिए है? और दूसरे ये सरकारों ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ना का भुगतान कराएंगे, जबकि एक साल हो गया अभी गन्ने को कोई भुगतान नहीं मिला है। हमारा ओसवाल चीनी मिल पर 66 करोड़ रुपये अभी बकाया है, और ये किसानों का कुछ ही गुमराह कर रही है, कोई पैसा देना नहीं चाहती है, और जबकि सरकार की घोषणा सरकार ने घोषणा की थी कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे, ये बिल्कुल नाइंसाफी है, इसका हम विरोध करते हैं और हम फिर बाद धरना प्रदर्शन मजबूर होंगे। ठाकुर गजेंद्र सिंह जादौन जिला मथुरा से हूँ। मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि 2019 का चुनाव याद रखें, जितना किसान विरोधी वो चलना चाहते हैं उतना चलें, किसान मजदूर उनको 2019 में साफ साफ जवाब देगा, दिल्ली से इतनी दूर कर देगा कि जो शायद वो दिल्ली की तरफ कभी सोचेंगे भी नहीं। अब के हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सफ़ेद बाल से पूरा धान चौपट हुआ है, उसकी सर्वे भी कराई है, योगी जी ने कराई है, मोदी जी ने कराई है, लेकिन एक पैसा अभी तक नहीं मिला है। खाद के नाम पर बीमा काटा जाता है, उसका कोई बीमा नहीं मिलता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कभी योगी घोषणा करते, कभी मोदी करते, कभी राजनाथ करते, आज तक वो चालू नहीं हुई है। मैं इकबाल जावेद मेरा नाम है, जिला पीलीभीत राणा प्रतापनगर से शारदा नगर से जाना जाता है, शारदा राणा प्रतापनगर से जाना जाता है। हमारा गांव जैसे हर साल बाढ़ के क्षेत्र से ग्रसित हो जाता है, और क्या कहते हैं फसल नुकसान होता है, और हर साल हमारे 500 एकड़ ज़मीनें भूमि कटती हैं, और हम लोग ज़्यादा तबाह शारदा नदी से हैं, जो इसकी समस्या का हल नहीं होता है। हर साल आते हैं मंत्री उन्त्री, जैसे स्वाति सिंह आके कही गई थी हमारा बिल पास होगा, ये पास होगा, मतलब कुछ नहीं पास होता है, और हर साल की तरह हम लोग फसलें बर्बाद होती हैं, और यहाँ के CM भी हम लोग को नहीं देखते हैं, और लोग सरकारी लोग भी नहीं देखते हैं, बस आके मुआयना कर जाते हैं। जो हम लोग की समस्या सबसे ज़्यादा है राणा प्रताप नगर वालों को, तो वो है भूमि का कटना, फसल नुकसान होना, और किसी चीज़ की समस्या नहीं है। और कर्ज माफ़ी का भी तो नाम बस यही नाम दिया जाता है, माफ़ हो कुछ नहीं होता है। हम लोग ऐसे ही लोग कहते रहेंगे, अलग अलग स्टेट से आके हर बातें अपनी कहते हैं, मगर उनका कोई मतलब काम नहीं होता, बस एक बात है एक। और जो हमारे यहाँ के CM बने हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो हमें लगता है जाहिल हैं, उन्हें अब तक कुछ नहीं पता, वो उनका बस एक ही काम है धर्म पे विवाद कराना, भ्रष्टाचार कराना। कहीं भी अगर मतलब मीटिंग में जा रहे हैं तो उनको बस धर्म से ही बस बातें करना है, और कुछ नहीं बातें करना है। लोग जनता क्या कर रही है, देश में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं जाएंगे तो वहाँ कहेंगे कि ये हिंदू है मुस्लिम, इनके खिलाफ ज़्यादा वो प्रदर्शन करते हैं। उनको इतना भी नहीं समझ में है कि धर्म से देश नहीं चलता है, राजनीतिक से देश भी नहीं चलती है, एकता के मिसाल देना पड़ता है देश को चलाने के लिए। तो CM साहब योगी को समझना चाहिए कि हमारे मतलब UP में ऐसा काम ना करें, धर्म पे ना बांटे लोगों को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैं इतने बात को विराम करता हूँ। मैं भारतीय किसान में हरपाल गुट का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, सचिव हूँ, और किसानों के लिए पूरे UP में चौधरी हरपाल सिंह जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ। लेकिन आज मोदी सरकार से जो किसानों को अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पा रही है, आज इसलिए महाराष्ट्र और UP और कई प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और केंद्र सरकार को ये बता देंगे कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो आने 2019 में इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आज किसानों की दुर्दशा बहुत ख़राब है, जगह किसानों को उनके उत्पादन का सही रेट नहीं मिल रहा है, और आज़ादी से अब तक जो किसानों के साथ छल किया गया है नौकरियों में, और इनमें पेंशन आदि सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई पेंशन नहीं। अन्ना हजारे का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर रामलीला मैदान में, तो यहाँ पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि हम किसानों को 5,000 रुपये पेंशन दिलवाएंगे, और जो 1.5 गुना फसल का मूल्य है उसे दिलवाएंगे, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज फिर हम लोग यहाँ पर माननीय चौधरी हरपाल सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं हजारों की संख्या में, और आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे, लास्ट तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।
उत्तर प्रदेश से जिला अमरोहा मस्तराम बोल रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो सरकार है, पहले सरकारें आती चली आई हैं, लगभग 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया है, मगर इतने झूठे व्यक्ति हमारे राजनीति में कोई नहीं आया है। चाहे योगी सरकार, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, झूठ बोलना, झूठ झूठ सारा झूठ। क्या किसान की स्थिति है, क्या मजदूर की स्थिति है? मजदूर में थोड़ा सा अंतर है, किसान मजदूर का बड़ा भाई है, मगर किसान बुरी हालत, मजदूर का कुछ हालात सही हैं, क्योंकि वो अपना सुबह जाता है, शाम को 300 रुपये ले लेता है, उसका समय कट जाता है। लेकिन किसान, किसान की हालत बहुत गंभीर हो गई है, इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। जय सब न कहते हुए मैं तो यही कहूँगा कि हमारे आने वाली सरकारें ध्यान करें इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं किसान के, बहुत घाटे का सौदा हो गया खेती। इसका सुधार करने के लिए वो सब कानून जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानकारी है उन्हें, क्या करना है, कहाँ क्या करना, क्या रेट करना है, कहाँ क्या वेट करना है, किसको किस। देखिए पिछले साल का मैं छोटी सी बात और कहने चाहूँगा, पिछले साल गन्ने का भुगतान इसलिए इस साल नहीं हुआ, इस साल भी गन्ना गिरने लगा है। क्या स्थिति होगी, कहाँ से खर्चे चलाएगा किसान, कैसे कर सकता है खर्चों का पूरा, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई होगी, कहाँ से घर के खर्चे चलेंगे। किसान की बहुत अतिरिक्त खर्चे होते हैं, जिसको देश, अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। मैं सच्चे शब्दों में कहूँगा, ज़्यादा ना कहते हुए मैं इन शब्दों में विराम करता हूँ। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। किसान यूनियन जिंदा, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान शहीदों का बलिदान जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान शहीदों का बलिदान जय करेगा हिंदुस्तान। हम जिला पीलीभीत में रहते हैं, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। हाँ जोर बोल रहे हैं, मेरा कहना है कि इतने जानवर छुटे हुए हैं जो, और जो किसान, जो मास्टर लोगों की तनख्वाह होती है, सरकारी लोगों की तनख्वाह होती है, उनके पास पेंशन 30,000 मिलती है, और 60 साल वालों के लिए 5,000 होनी चाहिए पेंशन, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, और काउंटर भी का धान हुआ, हम लोगों को पढ़ाई के लिए भी लोन लेना पड़ता है, लोन निपट नहीं पाएगा, हम प्राण जा सकते हैं, लोन नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं बचा मेरे लिए। मैं देवेंद्र सिंह, यूपी का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से। हम लोग अपनी काश्तकारों की समस्याएँ लेकर दिल्ली आए हैं आज, और मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग इस समस्या का समाधान करें। मैं हरजिंदर सिंह, यूपी से, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से। हम लोग आज किसानों की समस्याओं को लेकर दिल्ली में आए हैं। हमारी समस्याएं यही हैं कि हमें अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, ना ही हमें उसका दाम मिलता है, और ना ही उसके जो भी सरकार उसके लिए कानून बनाती है। जैसे धान के लिए 1735 रुपये का दाम रेट रखा गया, लेकिन हमको वही धान जो है हमको 1100-1200 रुपये में बेचना पड़ रहा है, उन बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ रहा है, सरकार उसको खरीद नहीं रही है, उन केवल कागजों पर अपनी कार्रवाई कर रही है। सोमनाथ बोराडे, नासिक, महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से बहुत सारे किसान यहाँ आना शुरू हुआ है, जैसा सुबह से हम इधर आए, एक चीज़ देखने को मिला, हर राज्य से किसान इधर जुड़ रहा है। आज का आंदोलन, कल तो यहाँ से लोग संसद पे जाने वाले हैं। मैं ये बात कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कोल्हापुर में एक सभा संबोधित करते हुए कहा था, तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको तुम्हारा सारा का कर्जा माफ़ कर दूँगा, और तुम्हारी खेती को डेढ़ गुना नाम मैं मूल्य देगा। तो जैसा कांग्रेस वालों ने 60 साल से देश चला रहा था, जितना बुरा नहीं हुआ, उतना ये नरेंद्र मोदी जी ने 4 साल में करके दिखाया। और एक किसान भारत का एक ऐसा है, जय जवान जय किसान, इन्होंने ये गवर्नमेंट ने किसान को मारने का काम किया है, किसान को जगाने का काम नहीं किया। ये 2019 के चुनाव में ये सरकार को सब किसान हिलाएगी।
विचित्रपाल अमरोहा से, पश्चिम उत्तर प्रदेश अमरोहा से आए हैं हम लोग और अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हमारी मांगे हैं किसानों का जो पेमेंट है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जी, हमारा एक तो ये है कि जो सरकार ने वादा किया है वो वादा खिलाफी कर रही है। 14 दिन गन्ने के पेमेंट के लिए कहा था, कोई पेमेंट नहीं। पिछले साल के पेमेंट के लिए कहा है नवम्बर तक पूरा पेमेंट हो जाएगा, अभी तक बहुत पेमेंट बाकी है। और जो किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए सरकार ने घोषणा की थी, कोई कर्ज माफ़ी नहीं हुई। और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उस पर, उसे लागू करने के लिए कहा था, उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। इन्हीं मांगों को लेकर हमारा प्रदर्शन है और कल को जो है लोकसभा का घेराव करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से आए हैं और हम इसलिए आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और हमारा जो गन्ने का पेमेंट है, हमारी गन्ना बेल्ट है, गन्ने का पेमेंट जो है अतिशीघ्र 14 दिन के अंदर होना चाहिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और इस समय जो हमारे बच्चे पढ़ने में और कहीं किसी जाने के लिए मजबूर है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आज हम ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं और हमारी लड़ाई आर पार की होगी। हम यहाँ इसीलिए आए हैं, जरूरत पड़ी है हमें आने की, ना हमें आने की क्या जरूरत थी। यहाँ ये सरकारें जो अब तक बनती आ रही हैं, ये भी सरकारें आई, थोड़ी उम्मीद थी, ये भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर हम लोगों जो युवा हैं उनने अगर खिलवाड़ करना स्टार्ट कर दिया तो इस देश का क्या होगा। अगर आज हम युवा हैं, चलो बुजुर्ग हैं, ये खेती के लोग कर रहे हैं, मन नहीं मानता इनका जो लागत मूल्य मिले ना मिले। अगर हमने थोड़ा बुद्धि से विवेक से काम ले लिया और 2 साल के लिए हमने खेती करना बंद कर दिया तो समझो इस देश का क्या होगा। एक तो उचित लागत का मूल्य नहीं है, दूसरा चलो जो भी है उसका पैसा टाइम से नहीं देते हैं ये लोग, वादे करते हैं झूठे। हम तो यूपी से आए, उत्तर प्रदेश से, पहले योगी जी हमारे यहाँ के सीएम पहले बोले 15 अक्टूबर तक पिछला भुगतान दे देंगे गन्ने का, अब कहा उन्होंने कि 30 नवंबर तक दे देंगे। अब 30 नवंबर तो परसों है, अब भुगतान कम से कम है 60 दिन का बकाया पिछला, कैसे दे देंगे ये लोग। ये सब सरकारें पहले मोदी जी झूठ बोलते थे, अब जो हमारे जो योगी जी हैं वो भी झूठ बोलने लगे। मेरा नाम है विक्की चौधरी और मैं यूपी के बरेली से आया हूँ, तहसील है बहेड़ी। हमारे वहाँ पे जो गन्ने का मूल है वो पिछली बार का भी अभी नहीं हुआ है 60 दिन का लगभग में, तो अभी इस साल का तो देना इनका मुश्किल है। अब यही है भाई, झूठे वादे कर रहे हैं मोदी जी, तो बस इस चक्कर से हमें यहाँ पे आना पड़ा है। अब युवा हैं हम, अब हमें बताइए, हमारी इतनी खेती है, हम अपनी खेती छोड़ के क्यों किसी की जॉब करें। तो बस ये है, इसी चक्कर से हमें यहाँ आना पड़ा और लड़ेंगे हम आखिरी तक जाएंगे, यहाँ से लड़के जाएंगे, अपनी जीत पूरी हासिल करके जाएंगे यहाँ से। मैं हंसराज वडगुले पाटिल महाराष्ट्र से आया हूँ, नासिक से। खासदार राजू शेट्टी साहब के जो संगठन है स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, राजू शेट्टी साहब उसको लीड करते हैं, उसका महाराष्ट्र राज्य का प्रेसिडेंट हूँ, यूथ विंग का युवा अध्यक्षता करता हूँ। और यहाँ पे रामलीला के मैदान पे हजारों की तादाद में हम किसानों के साथ यहाँ पर आए हुए। खासदार राजू शेट्टी साहब ने संसद में जो बिल रखे हैं संपूर्ण कर्ज मुक्ति, ऋण मुक्ति का, और लागत मूल्य से 1.5 गुना दाम किसान को मिलना चाहिए, ये जो दो बिल है कानूनन किसान को ये अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए आज रामलीला पे सब 208 संगठन किसानों के पूरे देश से यहाँ आए हुए हैं और अपनी मांग वो बड़ी संगठित रूप से सरकार के सामने रखेंगे। कल संसद को घेराव नेताओं के आदेश पर हो जाएगा और उसके बाद ये दोनों कानून पारित होने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, ये मांग पूरे देश में उठेगी और हमें यकीन है कि हमारी ये मांग पूरी होगी। मोदी सरकार के राज में किसानों का पूरी तरह से शोषण हो रहा है, हम इसका निषेध करते हुए दिल्ली से पूरे देश के किसानों का ये जो संगठन और ये जो यहाँ जो विचार विमर्श होगा वो महाराष्ट्र में लेके जाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। मेरा नाम राकेश है, मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ। कि जो योगी जी ने वादा किया था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट मिलेगा,
अभी तक जो हमारे मिलों का पेमेंट नहीं मिला पिछला भी, और अभी तक जो 30 तारीख में मिल चली बिलाई वाली हमारे बिजनौर की, और जो कभी तो कोर्ट में भेजते के पेमेंट रेट जो कोर्ट से तय होगा, कभी फिर लुकाएंगे 2 महीने बाद के पाजामे में तय होगा। अरे भाई इसी तरह तुम्हारी सरकार चली जाएगी, इसे अब भी सुधार कर लो इस सरकार को। अन्य मारी सुन लो, किसान को जिसने भी दुखी किया वो सरकार समझ लो चली जाती। किसान एक अंदाता, हमारा काम जो दिल्ली में आने का नहीं हो, हमारा तो फावला चलाने का काम, हम तो किसान लोग। तुमने हमारे जो दुखी कर दिया, कलेक्ट्रेट में लोटे हम लोटे करवा चौथ को पूरी हुई खाई, और क्या के बाद किसान खुश कर दिया, खुशहाल कर दिया, एक रुपया भी पेमेंट का नहीं मिला हमारे बिजनौर के, नहीं बल्कि यूपी की गन्ने की खेती पर जो राजनीति चला रहे हैं नेता। और कर्जे की बात ही हो, जो इस किसान का कर्जा माफ हुआ है उस पर 10 रुपये माफ हुए तो 80 रुपये उससे ब्याज ले लिया, कोई ऐसे कर्जे से माफ नहीं। हमें तो अपनी लागत का जो 15 गुना दे दो, जो कह रहे थे कि हम जो आपको जो 15 गुना देंगे, और नाथन जी की जो रिपोर्ट है वो लागू कर दो। हम भिखारी नहीं है, हम तो किसान अन्नदाता। अगर ये अन्नदाता को किसान को छेड़ोगे तो जाते रहोगे। मैं जिला पीलीभीत से हूँ, कबीरगंज से, किसान मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों की किसानों की ये समस्या है कि जो भी गवर्नमेंट आती है बड़े बड़े वादे करती है और निभाती कुछ नहीं है। जिस टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने कहा था हम मिलें बनाएंगे, और जो चीनी का समझौता पूर्व सरकार ने कर रखा है हम उसको तो रोक नहीं सकते, कच्ची चीनी का। हम जो है आयातित चीनी के ऊपर 15% से बढ़ा करके 40% टैक्स कर रहे हैं, आयातित टैक्स, और किया कुछ नहीं। अगले साल फिर बयान आया कि हम 15% से बढ़ा के 25% कर रहे हैं। अगर 40% कर दिया तो 25% कहाँ से आ गया फिर? और जो सिरे से अल्कोहल बनता था, कहते कि हम अल्कोहल के बड़े प्लांट लगाएंगे, 20% अल्कोहल मिलाएंगे। पहले 10% मिलता था, उसको भी बंद कर दिया, कहते प्रदूषण हो रहा है। और गन्ना किसानों का भुगतान कहते हम 13 दिन में पेमेंट करेंगे 14 दिन में, जोगी जी ने कहा था। और साल बीत गया और अभी तक भी पेमेंट बाकी है, पेमेंट अभी तक नहीं हुई है भाई, कहने के लिए कि हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे। और किसानों का जो वेतन योग आज तक बने हैं, 6ठा वेतन योग, 7वां वेतन योग, अभी तक वेतन भोगियों की तनख्वाहें जो 200% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और किसान का 20% नहीं बढ़ा अभी तक। अगर हमारा 20% से हमारा भी 200% बढ़े तो हम लोग खेती करें, किसान पिछड़ा है। लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, और पब्लिक का जो खून पसाई पसीने का रुपया है उसको गंगा की सफाई में जो है लगा रहे हैं। करोड़ों रुपया पब्लिक का लगा दिया, गंगा की सफाई नहीं हुई, ना होगी। जहाँ से कोई नाला निकलता है वो आकर के शारदा में गिरता है या जमुना में गिरता है, अंततः वो गंगा में जाता है। जहाँ से वो निकलता है वहाँ से उसको रोक होनी चाहिए, तब गंगा की सफाई होगी। पब्लिक का पैसा ख़राब करने से कोई फायदा नहीं है। और इन्होंने कहा था हम नई मिले लेके आएंगे, कोई नई मिल नहीं लगाई, जो चल रही है उनको ही बंद करने के कगार पे कर दिया। और उसके बाद में पहले कहा कि लघु किसान का करेंगे, 5 एकड़ से नीचे जो है 5 एकड़ तक, जब देखा 5 एकड़ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर उसके बाद कहा कि हम जो है 2 हेक्टर का करेंगे, 2 हेक्टर का 5 एकड़ से कम आ गया 4 दशमलव। उसके बाद में फिर लगा दिया कि 31 मार्च 2016 से पहले का करेंगे। कोई भी किसान जो लिमिट लेता है या किसान कर्जा लेता है वो 31 मार्च को अपना खाता सही रखने के लिए उसको जैसे तैसे भरता है, और लिमिट भरने पर जो लिमिट चालू रखने के लिए बैंक वाले हैं, किसी का 10 रुपये बकाया रख लेते हैं, किसी का 50 रुपये बकाया रख लेते हैं, वही किसानों का माफ हुआ है। किसी का 10 हुआ, किसी का 5 हुआ है, और उसके साथ में 100 रुपये ब्याज देना पड़ा है। आज तक उल्टा है, किसान यूँ बैठा रहता है, अब किसान छीनेगा अपना हक, छीनेगा अपना। कल आप संसद की तरफ बढ़ेंगे और तो बात वहाँ पे भी कि 11 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, और ये जो सत्र है ये नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्ण जो सत्र होते हैं उनमें से आखिरी है ये, यानी इसके बाद आप जानते हैं क्या होने वाला है। तभी हमने कहा है हमें विशेष सत्र चाहिए। पिछले सत्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जिसको सरकार गिराने के अंदर गुंजाइश होती है, इतना मजबूत होता है, इतना जरूरी होता है, उसमें बहस नहीं हुई, पूरे सत्र में बहस नहीं हुई, अब क्या कर लोगे? इसलिए हमारा कहना है अगर GST लाने के लिए आधी रात्रि को विशेष सत्र बुला सकते हो,
तो आपको किसानों के दो बिल पारित करने के लिए भी विशेष सत्र बुलाना होगा। मोदी जी, ये कृषि प्रधान देश है, किसानों को पीछे नहीं रख सकते आप। ये थे सरदार भीम सिंह, सरदार भीम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर अब आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, क्या क्या डिमांड है आपकी सरकार से? देखिए, हमारी डिमांड नहीं है, हम केवल मोदी जी को याद दिलाने आए हैं कि मोदी जी आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, आपने जो हमसे वायदे किए थे आपने वायदे पूरे नहीं किए हैं, प्लीज़ अपने वायदे पूरे करिए, वरना हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। हमें डिमांड नहीं है हमारी, मोदी जी ने कहा था आपका कर्जा माफ़ करेंगे, मोदी जी ने कहा था आपको 1.5 गुना लागत का दाम देंगे सीटू का, और उन्होंने कहा हमने दे दिया। अगर आपने दे दिया है मोदी जी, तो फिर एक काम करो ना, ये बिल भी वही कह रहा है जो आप कह रहे हैं, पास कर दो ना। कहीं ना कहीं तो जुमले की फिर बात कर रहे हैं ना वो। 21 पार्टियों का समर्थन आपको मिलता है, क्या जी लगता है आपको? 21 पार्टियों का समर्थन लिखित में है, रेजोल्यूशन है। आप देखो ना, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वामपंथियों के साथ क्या है, 36 का आंकड़ा, हमारे बिल के साथ दोनों हैं। शिवसेना शरद पवार साहब हमारे बिल के लिए दोनों साथ थे, AIDMK DMK दोनों हमारे बिल्कुल साथ थे, YSR रेड्डी और TDP दोनों हमारे बिल्कुल साथ थे। तो ये सब लोग जब हमारे बिल्कुल साथ हैं, कांग्रेस है, फारूक अब्दुल्ला साहब भी आए, खड़गे साहब भी आए, जितने नेता देश के सब आए ना, अगर वो आ रहे हैं और साथ साथ शिवसेना, उस समय TDP जो थी NDA के साथ थी, वो लोग आ रहे हैं, आज नीतीश बाबू जो है, नीतीश कुमार साहब, उनकी पार्टी भी आ रही है, तो अगर आपके लोग भी कह रहे हैं मोदी जी कि इन बिलों के साथ हम हैं, तो मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री, हम सबके बड़े हैं, आप भी इसको पास करने का काम कर लें। सर आपको नहीं लगता रातों रात जब GST लाएंगे पूरी देश की करेंसी बदली जा सकती है, तो हिंदुस्तान फिर भी एक किसान प्रधान देश है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए? हम तो वही तो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आप रातों रात GST के लिए विशेष सत्र ला सकते हो, तो आप हमारे लिए क्यों ला सकते हो? और इससे बड़ी बात मैं आपसे बताऊँ, कुछ लोग हमारे यहाँ बस्ती के अभी आए नहीं है, शायद आने वाले बस्ती के लोग, मंडरवा बस्ती के अंदर सन 2002 के अंदर, 2002 में 3 किसानों ने वो खुदकुशी कर ली थी या शहीद हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने, BJP के प्रधानमंत्री ने एक दिन का गन्ने के बारे डिस्कस करने के लिए विशेष सत्र बुलाया था दिल्ली के अंदर। तो मोदी जी हमसे मत सीखो, प्रधानमंत्री अटल जी से कम विशेष सत्र बुलाओ, बिल को पारित करो, क्योंकि हम आपको केवल याद दिलाने आए हैं, आपका समय खत्म होने वाला है, करना चाहो करो वरना जाओ। सर एक आखिरी सवाल, जब राम मंदिर बनाने के लिए योगी सरकार या राम मूर्ति बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगा सकती है, तो आपको नहीं लगता कि किसान कर्ज माफी तो उसके आगे एक छोटी सी रकम है? देखिए, राम में आस्था लोगों की, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पर इतना आपसे जरूर कह दूंगा, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए दसियों हजार करोड़ नहीं, दसियों लाख करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं, तो किसानों को क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? अगर एक विजय माल्या लेके भाग जाता है, अगर कोई और लेके भाग जाता है, उसके बदले अगर किसानों को दे दें, कम से कम एक जिले के किसान आराम से चैन की सांस लेंगे। हमें तो वही देखना है कि हमारा क्या है। और जहाँ तक सवाल होता है मंदिर का, मस्जिद का, यहाँ UP के बहुत लोग हैं, मैं बार बार एक मुद्दा बताता हूँ, पीलीभीत में 2000 में हनुमान जी का मंदिर, राम जी के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर, उस प्रशासन ने, CM भी BJP का, PM भी BJP का, उनने तोड़वा दिया था बुलडोजर से। उस समय उन्हीं के लोग हमारे पास आए, मैं कोर्ट में गया, जब मैं कोर्ट में गया हम ऑर्डर लेके आए, स्टे लेके आए, आज बहुत बड़ा मंदिर वहाँ बना हुआ है। पर खास बात नहीं कि मैं गया, VM सिंह गया, सिख गया, हिंदुओं का मंदिर टूट रहा है, एक सिख चारा है कोर्ट में, और एक मुसलमान जज हैदर अब्बास रजा ने ऑर्डर दिया तो मंदिर बना, ऐसा देश चाहते हैं हम। बिल्कुल। सर अगला कदम क्या रहेगा आपका, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है? पहले भी यूपी गेट पे जो किसान इकट्ठा हुए थे, राजनाथ सिंह से मीटिंग हुई थी, अगर इस बार भी फैसला नहीं होता तो क्या? राजनाथ सिंह जी से मीटिंग क्यों करेंगे किसान? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, मिली भगत है, कृषि मंत्री कौन है? राधामोहन सिंह। किसान बाद में आते हैं, पहले योगी जी दिल्ली पहुंच जाते हैं, 2 घंटे वार्ता करते हैं। अरे हमारे साथ तो 12 लाखों लोग आते हैं, हमारे साथ तो PNR की बात नहीं करता, ऐसा क्यों? हम तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी दे चुके, हम आ रहे हैं आपके पास, हमने टाइम भी मांगा था 6 महीने पहले। ये देखिए ऐसा है,
देश के किसान समझ चुके हैं कौन किनका है कौन किनका नहीं है। आज देश का किसान खड़ा है, अब देश का किसान ना बिकेगा और ना किसी को अपने आप को बेचने देगा। हम तो उगा के देते हैं ना, हमारी मांगे नहीं हैं, हमारे हक की बात कर रहे हैं। हमने आपको खिलाया है, हमारी इज्जत करो। आज देश के लोग, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हर साइड के लोग आ रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, सब हमारे डिफेंस के लोग आ रहे हैं, नेशनल फार्मर्स आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं। क्यों आपकी जो है जायज बात है कि आप बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री ने वायदा किया था देश के साथ। आपने कहा ना मांग क्या है, मांग नहीं है, प्रधानमंत्री को बताने आ रहे हैं, याद दिलाने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने वायदा किया देश के साथ कि हम डेढ़ गुना लागत का दाम देंगे सीटू का। आपने वायदा किया सब पर कर्जा मुक्त करेंगे, आपने नहीं किया। आपकी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अगला कार्यकाल किसका हो, आपका हो, किसी का हमें मालूम नहीं। आपने वायदा किया था इस कार्यकाल के लिए, कार्यकाल जाने से पहले पूरा करो। हमने दो बिल बनाए हैं आपके वायदों के ऊपर, जो आपने वायदा किया उसी पे दो बिल बनाए हैं। 21 पार्टियों ने सपोर्ट दे दिया है और आपकी एनडीए की पार्टियां भी साथ हैं उसके अंदर। पर आपको देखना है, अगर आपकी बात जुमला नहीं है, अगर आप वाकई किसानों की बात करना चाहते हो, हमारे साथ आओ, इन बिलों को पास करो और जो वायदा आपने किया था आपने इलेक्शन के अंदर, उसको पूरा करो ना। ये मत बोलो हम भूखे हैं और बोलो तुम्हारा पेट भरा हुआ है, मुझे मालूम है पेट भरा हुआ है, ऐसे कैसे होता है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आखिरी सत्र हो है, तो ऐसे में अगर जो डिमांड है, जो याद दिलाने आपके इन सरकार को आए हैं कि उन्होंने वादा किया था किसानों से कि तमाम चीज़ों की पूर्ति करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्या कोई बड़ी कार्रवाई आप लोगों की तरफ से हो सकता है? हमारा है कि शीतकालीन सत्र में भी हम ये कर सकते थे, हमने नहीं किया क्योंकि हमें मालूम है इससे पहले जो सत्र था नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी पार्टियां, उस पर बहस तक नहीं हुई। सुबह आओ, दोपहर में जाओ, दोपहर में आओ, शाम को जाओ, सत्र खत्म, पैसा हजम। तो अब क्या होगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि विशेष सत्र लाओ, जैसे आप जीएसटी के लिए लाए थे। अगर आपके मन में इच्छा है किसान को बचाने की, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, आपने कहा नौकरी दिलाऊंगा, नौकरी दिला नहीं पा रहे हो, हम आपको रास्ता बता रहे हैं। अरे गन्ने में ही उत्तर प्रदेश में 50 लाख गन्ना किसान हैं, अगर एक एक घर का बच्चा वापस चल जाएगा 50 लाख नौकरियों का काम हो जाएगा। रास्ता हम बता रहे हैं आपको, मोदी जी करो जैसे कम से कम, पर आप ये मत करो, करो भी ना और बेवकूफ़ बनाओ। अब बेवकूफ़ बनने वाला किसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की जो नीयत है उसमें कहीं ना कहीं कमी है या इच्छा शक्ति में कमी है, जानबूझ के वो टाल मटोल कर रही है? मैं तो मानता हूँ नीयत है ही नहीं उनकी, नीयत उनकी केवल जुमलेबाजी में है। 15 लाख का देख लिया ना, खुलेआम बोल दिया उन्होंने, 30 लाख करके ले लेगा, इसमें क्या है? हम तो कहते हैं मोदी जी अब भी समय है, ये किसानों की चेतावनी नहीं है आपको, किसान याद दिलाने आए हैं और फिर चोट मारेंगे 2019 में सीधा, 19 में सीधा चोट मारेंगे। तो आप किसान क्या करेंगे? किसान क्या करेंगे आगे? आपने जोश तो देखा किसान का, किसान खड़े हैं। जब किसान खड़ा है देश खड़ा है, हमें किसी की परवाह नहीं। फिर अगर आप नहीं करोगे तो आप जाओगे, जो सरकार उसमें क्या है? वो सरकार बदल ली। तो आप सुन रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार को
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।